वेलकम बैक। हमने क्लास 11th ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का चैप्टर 6 स्टार्ट किया है, इंस्टीट्यूट सपोर्टिंग बिजनेस। पिछले वीडियोस में हमने इस चैप्टर के 3 इंस्टीट्यूट्स ऑलरेडी स्टडी कर लिए हैं, दैट इज सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। हमने ये तीनों इंस्टीट्यूट्स के बारे में डिटेल में स्टडी कर लिया है पिछले वीडियोस में। इस वीडियो में हम वुमेन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप, महिला बचत घर, ये पर्टिकुलर टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो टॉपिक स्टार्ट करते हैं वुमेन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप। नाम से पता चलता है ये क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, मतलब ये एक ऐसा ग्रुप है, ऐसा समूह है जहाँ पे वुमेन्स, स्पेशली जो वुमेन्स हैं, वो इकट्ठा आके क्या करती हैं, एक साथ में आती हैं, ग्रुप फॉर्म करती हैं, ग्रुप बनाती हैं, कुछ कुछ सेविंग्स जो हैं वो करके रखती है, वो जमा करती हैं सेविंग्स, और जब एक अमाउंट ऑफ मनी उनके पास जमा हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, फिर वो क्या करती है, वो सेविंग्स आपस के ही जो मेंबर्स होते हैं ग्रुप में उनको देती हैं, लेंड करती हैं एज अ लोन कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। ऑलराइट, डिटेल में देख लेते हैं क्या है वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप। इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं पहले। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस, एन इकोनॉमिस्ट फ्रॉम बांग्लादेश नोन एज द फादर ऑफ माइक्रो फाइनेंस, फाउंडेड द ग्रामीण बैंक इन बांग्लादेश इन अक्टूबर 1983 विद द विजन टू इरेडिकेट पॉवर्टी। सो डॉक्टर मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के इकोनॉमिस्ट थे जिन्हें फादर ऑफ माइक्रो फाइनेंस के नाम से भी जाने जाते थे। ये बांग्लादेश में अक्टूबर 1983 में ग्रामीण बैंक की शुरुआत की थी इन्होंने, पावर्टी, गरीबी जो थी वो खत्म करने के लक्ष्य से। ट्रेडिशनल बैंक रिफ्यूज टू मेक स्मॉल लोन टू द पुअर, हेंस द आइडिया ऑफ ग्रामीण बैंक वॉज बॉर्न टू गिव स्मॉल लोन्स टू पुअर विच कैन मेक अ बिग डिफरेंस इन देयर लाइफ। जो पहले से ट्रेडिशनल बैंक्स थे, जो पहले से बैंक्स ऑलरेडी थी, वो छोटे छोटे लोन्स जो थे गरीबों को देने के लिए मना करती थी, रिफ्यूज़ करती थी लोन्स प्रोवाइड करने के लिए गरीबों को, जिसके वजह से ग्रामीण बैंक का जो आइडिया था वो सामने आया, जो कि गरीबों को छोटे छोटे लोन्स प्रोवाइड करता था, देता था, जिसके वजह से उनकी जिंदगियों के ऊपर काफ़ी बड़ा असर पड़ने लगा। स्मॉल लोन्स वुड नॉट ओनली हेल्प देम टू सर्वाइव बट ऑल्सो क्रिएट अ स्पार्क ऑफ एंटरप्राइज एंड एम्पावर देम टू पुल देम आउट ऑफ पॉवर्टी। ये जो छोटे छोटे लोन्स जब हम गरीबों को प्रोवाइड करेगी ऐसी बैंक्स, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ जो है वो और बेटर कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, छोटा छोटा बिजनेस ओपन कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, जिसके वजह से धीरे धीरे ही सही मगर गरीबी जो है वो ख़त्म होने लगेगी, गरीबी से वो बाहर आएंगे, पावर्टी ख़त्म होने लगेगी। द सक्सेस ऑफ ग्रामीण माइक्रो फाइनेंस मॉडल हैज़ इंस्पायर्ड हंड्रेड्स ऑफ कंट्रीज थ्रू आउट द वर्ल्ड। ग्रामीण बैंक एंड डॉक्टर यूनुस जॉइंटली वोन द नोबेल पीस प्राइज इन 2006। तो ग्रामीण बैंक जो था, ग्रामीण माइक्रो फाइनेंस मॉडल बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ था, जिसके वजह से पूरी दुनिया में हज़ारों, जितनी भी 100 कंट्रीज़ थी, वो इंस्पायर हुई थी ऐसे बैंक्स को ओपन करने के लिए, जिसके वजह से इतना सक्सेसफुल हुआ था ये मॉडल। ग्रामीण बैंक और डॉक्टर यूनुस को जॉइंटली नोबल पीस प्राइज़ भी मिला था इसके लिए 2006 में। इंडियन सेल्फ हेल्प ग्रुप मॉडल इज़ रिफाइंड मॉडल ऑफ बांग्लादेश मॉडल टू इरेडिकेट पावर्टी एंड एम्पावर द वुमेन्स। तो इंडिया में भी सेल्फ हेल्प ग्रुप मॉडल जो था वो लॉन्च किया गया था, बनाया गया था, ये बांग्लादेश के जो ग्रामीण बैंक था उसी के मॉडल से इंस्पायर करके इंडिया में सेल्फ हेल्प ग्रुप मॉडल जो था वो लॉन्च किया गया था, पावर्टी, जो गरीबी थी, उसे ख़त्म करने के लिए, इरेडिकेट करने के लिए, और वुमेन्स को एम्पावर करने के लिए। ऑल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर बेस्ड ऑन द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ हेल्पिंग ईच अदर एंड यूनिटी इज स्ट्रेंथ। जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए गए हैं फॉर्म किए गए हैं, एक ही फंडामेंटल प्रिंसिपल है, एक ही रूल जो था जिसके ऊपर ये सेल्फ हेल्प ग्रुप चलते हैं, वो है हेल्पिंग ईच अदर, एक दूसरे की मदद करना, और यूनिटी इज स्ट्रेंथ। ऑलराइट, आगे देख लेते हैं। अ सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG इज अ स्मॉल ग्रुप ऑफ होमोजीनियस इंडिविजुअल हु कम टूगेदर विद द ऑब्जेक्टिव क्रिएटिंग कॉमन फंड थ्रू सेविंग्स एंड मीट मेंबर्स एमरजेंसी नीड बाय प्रोवाइडिंग कोलैटरल फ्री लोन। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है ये? तो ये ग्रुप ऑफ होमोजीनियस इंडिविजुअल, मतलब ऐसे इंडिविजुअल, ऐसे लोग एक साथ में आते हैं जो एक ही बैकग्राउंड, एक ही सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, सबके सब मिडिल क्लास होंगे, पुअर होंगे, ऊंचा नीचा यहाँ पे कोई नहीं होगा, सब एक ही जगह से आए होते हैं, रूरल एरिया के जो लोग हैं वो मिलके क्या करते हैं, ग्रुप बनाते हैं, और छोटे छोटे जो सेविंग्स हैं, जो पैसे वो बचा के रखते हैं, वो इकट्ठा करते हैं वो लोग, और जब बच जाते हैं, कुछ पैसे जमा हो जाते हैं, उस टाइम पे क्या करते हैं, उनके ही मेंबर्स में से अगर किसी को ज़रूरत पड़ती है, कुछ इमरजेंसी आ जाती है, तो उन्हीं पैसों में से वो अपने ही मेंबर्स को क्या करते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं, दैट इज़ कोलैटरल फ्री लोन। मतलब कोई भी चीज़ गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिना कोई भी चीज़ गिरवी रखे हुए वो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करते हैं अपने मेंबर्स को। व्हेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर मैनेज्ड बाय वुमेन्स, इट इज़ पॉपुलरली नोन एज वुमेन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो अगर ऐसा सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है
अगर वुमेन्स मैनेज करती हैं, जब औरतें मिलकर ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप को चलाती हैं, तो उससे कहा जाता है वुमेन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप। इन इंडिया सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फर्स्ट इमर्ज विद इन द माइसर सेटलमेंट रीसेटलमेंट एंड डेवलपमेंट एजेंसी इनिशियली कॉल्ड क्रेडिट मैनेजमेंट ग्रुप इन 1985। सबसे पहले सेल्फ हेल्प ग्रुप जो था इंडिया में माइसर रीसेटलमेंट एंड डेवलपमेंट एजेंसी के थ्रू बनाया गया था, जिसे पहले नाम दिया था क्रेडिट मैनेजमेंट ग्रुप 1985 में। आरबीआई एक्सेप्टेड दिस सेल्फ हेल्प ग्रुप स्ट्रेटजी एज एन अल्टरनेटिव क्रेडिट मॉडल। इन इंडिया सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेजेस प्रोग्राम वॉज इनिशिएटेड बाय नाबार्ड सिंस 1992। तो सबसे पहले आरबीआई ने एक्सेप्ट किया था सेल्फ हेल्प ग्रुप का स्ट्रेटजी कि हाँ ये सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो अच्छा काम कर रही है, बिकॉज इसके वजह से लोग क्या करेंगे, एक क्रेडिट मॉडल, एक दूसरे की मदद करेंगे, अगर लोन प्रोवाइड करेंगे तो उनका ही डेवलपमेंट होगा। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप और बैंक का जो लिंकेज था एक साथ में लिंक करके वो काम करना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले जो इनिशिएटिव था सेल्फ हेल्प ग्रुप और बैंकों को लिंक करने का, वो नाबार्ड ने स्टार्ट किया था 1992 में। ऑलराइट, आगे देख लेते हैं। अ सेल्फ हेल्प ग्रुप इज़ अ वॉलेंटरी एसोसिएशन। एवरी मेंबर ऑफ अ ग्रुप मेक्स अ स्मॉल सेविंग एट अ रेगुलर इंटरवल्स। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है, ये वॉलेंटरी एसोसिएशन है। लोग अपनी मर्जी से आते हैं, ग्रुप जो है वो फॉर्म करते हैं। जितने भी मेंबर्स होते हैं इन ग्रुप्स में, वो छोटा छोटा सेविंग्स जो है वो करते हैं, कुछ कुछ पैसे जो हैं वो बचाते हैं, रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में आके पैसे क्या करते हैं, जमा करते हैं। आफ्टर ग्रुप्स कलेक्ट सफिशिएंट फंड, इट कैन स्टार्ट लेंडिंग टू इट्स मेंबर एज पर देयर नीड्स एट अ रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट। इन इंडिया मेनी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर लिंक टू बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस फॉर डिलीवरी ऑफ माइक्रो क्रेडिट। तो ये जो ग्रुप्स है वो क्या करते हैं, जब पैसे जमा कर लेते हैं और कुछ अमाउंट ऑफ पैसे उनके पास इकट्ठा हो गए, उसके बाद वो अपने मेंबर्स को, जो जितने भी ग्रुप के मेंबर्स हैं, उनको क्या करेंगे, पैसे जो है वो देना स्टार्ट करते हैं एज अ लोन, एक रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। इंडिया में सेल्फ हेल्प ग्रुप और बैंक्स जो थे वो आपस में मिलके भी काम करते हैं, छोटे छोटे अमाउंट ऑफ क्रेडिट लोन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप इज नॉट कंपल्सरी, देर आर सिंपल रूल्स फ्रेम बाय द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप फॉर स्मूथ कंडक्ट ऑफ ऑपरेशंस ऑफ द ग्रुप। तो इन रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपल्सरी नहीं है सेल्फ हेल्प ग्रुप का, ये एक वॉलेंटरी एसोसिएशन है। लोग अपनी मर्जी से आके ग्रुप फॉर्म करके, सेविंग्स करके, कॉन्ट्रीब्यूट करके मेंबर्स की हेल्प कर सकते हैं। इसका रजिस्ट्रेशन करना कोई ज़रूरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है। छोटा सा सिंपल सा रूल्स होता है, अपना रूल वो लोग बना के जो ये ग्रुप है वो अच्छी तरीके से इसका काम कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। ऑल डिसीजंस आर टेकन इन कलेक्टिव मैनर बाय द सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स। द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप वुड लीड टू बेनिफिट नॉट ओनली टू द इंडिविजुअल वुमेन बट ऑल्सो फॉर द फैमिली एंड कम्युनिटी एज अ होल। तो जितने भी ग्रुप हैं, इनके जितने मेंबर्स हैं, वो आपस में एक साथ में मिलके इस ग्रुप का फैसला लेते हैं, डिसीजंस लेते हैं। और अगर वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है, मतलब वुमेन्स को होगा एम्पावरमेंट मिलेगा, औरतें एक साथ में आएंगी, मिलकर डिसीजन लेंगी, उनके पास स्ट्रेंथ होगा, जिसकी वजह से वुमेन जो है वो इंडिविजुअली बढ़ेंगी नहीं, वो ही इंडिविजुअली उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो एज अ पूरी की पूरी उनकी फैमिली को भी बेनिफिट मिलेगा और पूरी की पूरी कम्युनिटी भी क्या होगी, एज उनको भी बेनिफिट मिलेगा, कम्युनिटी भी पूरी ग्रो करेगी। ऑलराइट, अगर वुमेन स्ट्रांग होगी तो फैमिली स्ट्रांग होगी, फैमिली स्ट्रांग होगी तो पूरी की पूरी कम्युनिटी जो है वो स्ट्रांग होगी। द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एम्पावर वुमेन्स एंड ट्रेन देम टू टेक एक्टिव पार्ट इन सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। तो ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो वुमेन्स को क्या करती है, एम्पावर करती है, उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, उनको डिसीजन मेकिंग पावर का जो है कैसे लेना है उसको, उसके लिए उनको ट्रेनिंग देती है, सो दैट वुमेन्स जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सके कंट्री में, कंट्री के ग्रोथ को, सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ को, प्रोग्रेस के लिए और ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कर सके। बिकॉज वुमेंस अगर ट्रेन होंगी वो डिसीजन ले सकती हैं, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगी, पूरे के पूरे कंट्री के प्रोग्रेस में ग्रोथ करेगी, सोसाइटी भी जिसके वजह से क्या होगी, ग्रो होगी, और इकोनॉमिकली भी वो कंट्रीब्यूट कर सकती हैं नेशन को और ज़्यादा ग्रो करने के लिए। सेल्फ हेल्प ग्रुप डेवलप सेविंग हैबिट्स अमंग द वुमन, इट एनहांस स्टेटस ऑफ वुमेन एज दे पार्टिसिपेट, लीड, टेक डिसीजन एंड गेट बेनिफिट थ्रू कलेक्टिव एफर्ट्स। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या करती है, जितने भी वुमेन्स हैं, औरतें हैं, उनके अंदर बचत, सेविंग की एक हैबिट जो है वो इनकलकेट करती हैं, वो लगाती हैं, जिसके वजह से वुमेन्स जो हैं उनका जो काबिलियत है वो और ज़्यादा निखर के आएगा, वो पार्टिसिपेट करेंगी, कहीं कहीं जितने भी ग्रुप्स हैं वहाँ पे वो पार्टिसिपेट करेंगी, भाग लेंगी, हिस्सा लेंगी, लीड करेंगी, खुद से आगे आके डिसीजन लेंगी, वो लोग पार्टिसिपेट करेंगी, जिसके वजह से ऑल ओवर उनकी जो पर्सनैलिटी है वो डेवलप होगी, वो एनहांस होगी। ऑल राइट, नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के कुछ फीचर्स यहाँ पे हैं, पॉइंट्स गिवन है, एक एक करके पॉइंट्स स्टडी करते हैं।
फॉलोइंग आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिसमें फर्स्ट इज फॉर्मेशन. फॉर्मेशन मतलब वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है, ये जो ग्रुप पट है वो किस तरीके से फॉर्म किया गया है, किस तरीके से बनाया गया है देख लेते हैं. सेल्फ हेल्प ग्रुप इज़ अ स्मॉल ग्रुप ऑफ होमोजीनियस इंडिविजुअल. ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है ये एक छोटा सा ग्रुप है होमोजीनियस इंडिविजुअल्स का. होमोजीनियस इंडिविजुअल्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी इंडिविजुअल होते हैं इस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर, वो समाज के एक ही तबके से बिलोंग करते हैं. मतलब अगर मिडिल क्लास बैकग्राउंड के होंगे तो जितने मेंबर्स होंगे वो सब मिडिल क्लास बैकग्राउंड के होंगे. अगर पुअर बैकग्राउंड के होंगे तो जितने मेंबर्स होंगे वो पुअर बैकग्राउंड के होंगे. इससे क्या होगा, उनके अंदर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा, सभी लोग अच्छी तरीके से आपस में मिलकर काम कर सकते हैं और डिसीजन भी ले सकते हैं. इट इज़ जनरली फॉर्म बाय एनजीओज और टीम ऑफ डेडिकेटेड फंक्शनरीज ऑफ द गवर्नमेंट. मोस्टली ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो एनजीओज या तो फिर गवर्नमेंट की फंक्शनरीज जो हैं वो बनाते हैं. इट इज़ एन इनफॉर्मल ग्रुप एंड रजिस्ट्रेशन अंडर एनी सोसाइटी एक्ट, स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट और एनी अदर एक्ट इज़ नॉट मैंडेटरी. ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो इनफॉर्मल टाइप का ग्रुप होता है. इसका रजिस्ट्रेशन किसी भी सोसाइटी एक्ट, स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट या तो फिर किसी भी एक्ट के अंदर इसका रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है. इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट एंड डज नॉट रिक्वायर एनी फॉर्मल रजिस्ट्रेशन. गवर्नमेंट की तरफ से पहचान मिली गई है, इसके वजह से इसका रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपलसरी नहीं है. सेल्फ हेल्प ग्रुप हैव वेल डिफाइंड लॉज एंड बाय लॉज, होल्ड रेगुलर मीटिंग एंड मेंटेन रिकॉर्ड्स. ये जो ग्रुप है सेल्फ हेल्प ग्रुप, इनके अपने कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, वो अपने लॉज जो हैं वो बनाते हैं और अपने ही रूल्स के अकॉर्डिंग काम करते हैं. रेगुलर टाइम पे मीटिंग्स भी रखते हैं और मेन रिकॉर्ड्स जो है वो भी मेंटेन करके रखते हैं. हाउएवर फॉर आवर वाइडर आउटरीच एंड इंस्टीट्यूशनलाइज देम सेल्फ हेल्प ग्रुप कैन गेट देम सेल्फ रजिस्ट्रेशन. लेकिन अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो छोटा है तो ठीक है, लेकिन अगर उसको बड़े तौर पर अगर करना है कंडक्ट, तो उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करना पड़ेगा, जिसके लिए उन्हें सेल्फ हेल्प ग्रुप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा. मेनी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर रजिस्टर्ड अंडर दी कोऑपरेटिव्स एक्ट और सोसाइटीज एक्ट, बट दीज लॉज आर फाउंडेड टू बी इनफेक्टिव इन एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ द सेल्फ हेल्प ग्रुप. बहुत सारी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ऐसी हैं जो कि कोऑपरेटिव्स एक्ट या तो फिर सोसाइटी एक्ट के अंडर रजिस्टर करी गई हैं. तो अगर कोऑपरेटिव एक्ट या सोसाइटी एक्ट के अंडर सेल्फ हेल्प ग्रुप को रजिस्टर करवाया जाएगा तो कोऑपरेटिव और सोसाइटी एक्ट के जितने भी रूल्स हैं वो माननी पड़ेंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप को, जो कि इनइफेक्टिव है, जो कि प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाते सेल्फ हेल्प ग्रुप ये पर्टिकुलर लॉज और रूल्स के हिसाब से. सेल्फ हेल्प ग्रुप तभी ही प्रॉपरली काम करेंगे जब वो अपने खुद के रूल्स बनाएंगी और अपने ही रूल्स को फॉलो करके अच्छी तरीके से काम कर सकती हैं. नेक्स्ट इज़ मेम्बरशिप. तो मेम्बरशिप मतलब कितने सारे लोग जो हैं वो मेम्बर बन सकते हैं, कौन मेम्बर बन सकता है इस ग्रुप का, क्या क्या पर्टिकुलर लिमिटेशंस है मेंबरशिप के ऊपर वो देख लेते हैं. होमोजीनियस ग्रुप ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप इज जनरली फॉर्म थ्रू अ प्रोसेस ऑफ सेल्फ सिलेक्शन बेस्ड अपॉन द एफिनिटी ऑफ इट्स मेंबर. तो ये होमोजीनियस ग्रुप है, लोग अपनी मर्जी से आके खुद अगर जिसको मेंबर बनना है इस ग्रुप का तो वो मेंबर बन सकते हैं. एज पर नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन एटलीस्ट 5 मेंबर्स आर रिक्वायर्ड, लेकिन कम से कम 5 लोग जरूरी हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप को बनाने के लिए. इट इज़ डिफिकल्ट टू मैनेज बिगर ग्रुप एंड मेंबर्स कैन नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेट. अगर ग्रुप बड़ा होगा तो मैनेज करने के लिए, काम करने के लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी आएगी और जितने भी मेंबर्स होंगे वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे. इसके लिए जो छोटा छोटा ग्रुप है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर साबित माना जाता है. फ्रॉम वन फैमिली ओनली वन पर्सन कैन बिकम मेंबर सो दैट मोर फैमिलीज कैन पार्टिसिपेट. एक परिवार से खाली एक ही पर्टिकुलर पर्सन जो है वो मेंबर बन सकता है सेल्फ हेल्प ग्रुप का, जिसके वजह से क्या होगा, जितनी भी फैमिलीज होंगी रूरल एरियाज में उनको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, मेंबर बनने का मौका मिलेगा सेल्फ हेल्प ग्रुप का. मिक्स ग्रुप्स आर जनरली नॉट प्रिफर्ड, वुमेंस ग्रुप आर जनरली फाउंडेड टू परफॉर्म बेटर. जो मिक्स ग्रुप है वो प्रिफर नहीं किया जाता है सेल्फ हेल्प ग्रुप में, मतलब या तो वुमेंस का होगा ग्रुप या तो फिर मेंस का ग्रुप होगा. मिक्स्ड ग्रुप जिसमें वुमेंस और मेंस दोनों होंगे, ऐसे ग्रुप्स जो है वो जनरली प्रिफर नहीं किए जाते. वुमेंस का जो ग्रुप होता है वो ज़्यादा बेहतर माना जाता है सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वुमेंस का होगा, तो वो अच्छी तरीके से और परफॉर्म बेहतर काम कर सकते हैं, अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं. इफेक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ मेंबर कैन बी एंश्योर्ड इफ दे आर ऑफ सेम सोशल एंड फिनेंशियल बैकग्राउंड. और अगर जितने भी मेंबर्स हैं ग्रुप में वो एक ही बैकग्राउंड के होंगे, चाहे वो सोसाइटी के एक ही पर्टिकुलर स्टेटस से बिलोंग करते हैं, फिनेंशियल बैकग्राउंड अगर उनका अच्छा होगा, एक सेम होगा, मिडिल क्लास है तो सिर्फ मिडिल क्लास के होंगे उस पर्टिकुलर ग्रुप में, पुअर बैकग्राउंड के तो पुअर बैकग्राउंड के जितने भी लोग होंगे, अगर ऐसे पर्टिकुलर लोग एक ग्रुप में अगर मेंबर होंगे एक ही सोसाइटी के एक ही फाइनेंशियल बैकग्राउंड के, तो वो अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं, अच्छी तरीके से डिसीजन ले सकते हैं और ग्रुप और अच्छी तरीके से मैनेजर काम कर पाएगा. ऑलराइट, नेक्स्ट इज डेमोक्रेटिक सेटअप.
तो जितने भी मेंबर्स हैं वो डेमोक्रेटिक सेटअप, डेमोक्रेसी के हिसाब से काम करते हैं इस ग्रुप में। जितने भी लोग हैं वो आपस में मिलजुल के डिसीजन लेते हैं, कोई पर्टिकुलर एक मेंबर डिसीजन नहीं लेगा। इसके लिए ये क्या है, डेमोक्रेटिक सेटअप है। सेल्फ हेल्प ग्रुप इज ग्रुप ऑफ मेंबर फॉर द मेंबर एंड बाय द मेंबर्स। जितने भी ग्रुप के मेंबर्स हैं वो आपस में एक दूसरे के लिए काम करते हैं, एक दूसरे से हैं। इट इज़ ग्रुप विच इज रिफ्लेक्ट्स द पीपल रियल पार्टिसिपेशन इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। एवरी मेंबर ऑफ अ ग्रुप एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द फंक्शनिंग ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। जितने भी मेंबर्स हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं ये पर्टिकुलर ग्रुप को चलाने के लिए। मेंबर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन फ्यूचर बाय ऑर्गेनाइजिंग देमसेल्व्स इनटू ग्रुप। जितने भी मेंबर्स हैं वो खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने फ्यूचर के लिए, क्योंकि वो जो ग्रुप है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप खुद से क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, फॉर्म करते हैं। दे इलेक्ट और सिलेक्ट लीडर फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द ग्रुप। लीडर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग रेगुलर मीटिंग एंड मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स एंड अकाउंट्स ऑफ द ग्रुप। जितने भी मेंबर्स हैं उनमें से एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को लीडर करके सिलेक्ट किया जा सकता है या तो फिर इलेक्ट किया जा सकता है। और जो लीडर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी टाइम टू टाइम मीटिंग को होल्ड करना, मीटिंग को कंडक्ट करना, जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके रखना। दीज ग्रुप्स रन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव लीडरशिप एंड म्यूचुअल डिस्कशन। और ये जो ग्रुप है वो एक ही प्रिंसिपल के ऊपर रन करता है, वो है कलेक्टिव लीडरशिप एंड म्यूचुअल डिस्कशन। जितने भी मेंबर्स हैं वो आपस में डिसीजन लेंगे, आपस में एक दूसरे के साथ में म्यूचुअल डिस्कशन करेंगे और उसके बाद ही कोई भी डिसीजन लेंगे। कोई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल सारे के सारे मेंबर्स के बिहाफ पर डिसीजन नहीं ले सकता। जितने भी डिसीजन, जितने भी फैसले, जो भी काम होगा वो सब मेंबर्स आपस में मिलके ही डिसाइड करेंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट इज हैबिट ऑफ सेविंग। मतलब बचत की एक आदत भी पैदा करता है सेल्फ हेल्प ग्रुप लोगों के अंदर। द सेल्फ हेल्प ग्रुप एनकरेजेस स्मॉल सेविंग हैबिट्स एट रेगुलर इंटरवल अमंग इट्स मेंबर। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के वजह से लोगों के अंदर, जितने भी मेंबर्स है वो के उनके अंदर सेविंग हैबिट्स जो है वो इनकलकेट हो रही है। सेविंग्स ऑफ ऑल ग्रुप मेंबर्स हेल्प टू जनरेट कॉमन फंड्स टू बी यूज्ड टू लेंड मेंबर्स इन टाइम ऑफ नीड्स। द सेल्फ हेल्प ग्रुप इनकलकेट्स द थ्रिफ्ट एंड सेविंग हैबिट अमंग द मेंबर्स ऑफ ईच ग्रुप्स। क्या हो रहा है, सेविंग के हैबिट्स जो है वो इनकलकेट हो रही है लोगों के अंदर। मेंबर्स जितने भी हैं वो कुछ कुछ अमाउंट जो पैसा है वो बचा के रखते हैं और टाइम टू टाइम सेव करते रहते हैं, इन्वेस्ट करते, कलेक्ट करते रहते हैं इस पर्टिकुलर ग्रुप में। और जब भी किसी को ज़रूरत पड़ती है तो मेंबर्स क्या करते हैं, अपने ही पैसे जो हैं वो ग्रुप में से निकाल के अपने मेंबर्स को कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, लोन देते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट इज म्यूचुअल ट्रस्ट। तो म्यूचुअल ट्रस्ट मतलब क्या है, आपस में एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट और भरोसा जो है उसी के बेस के ऊपर, उसी के आधार पर जो ग्रुप है सेल्फ हेल्प ग्रुप वो चलता है, काम करता है। मोस्ट ऑफ द इंडियन विलेजेस आर फेसिंग चैलेंजेस सच एज पावर्टी, इलिटरेसी, लैक ऑफ स्किल्स, हेल्थ केयर एक्सेट्रा। इंडिया में ऐसे बहुत सारे गांव हैं, ऐसे बहुत सारे विलेजेस हैं जहाँ पे बहुत सारी समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं, जैसे कि गरीबी है, इलिटरेसी, लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, अनपढ़ हैं, स्किल्स नहीं है, किस तरीके से काम करना है, क्या काम करना है नहीं आता, टेक्निक्स नहीं है उनके पास, हेल्थ केयर प्रॉपर नहीं है वहाँ पे, ना मेडिसिन है, ना हॉस्पिटल्स है प्रॉपर, ऐसी बहुत सारी डिफिकल्टीज है। इट इज़ डिफिकल्ट टू टैकल दीज प्रॉब्लम्स इंडिविजुअली, देर इज अ नीड ऑफ ग्रुप एफर्ट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अगर एक एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल आके ये प्रॉब्लम के साथ में टैकल कर इसे सॉल्व करना चाहे तो ऐसे नहीं हो सकता। ग्रुप एफर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लोगों को ग्रुप में एक साथ में इकट्ठा मिल के आना पड़ेगा तो ही ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हो पाएंगी। द बेसिक फिलोसफी ऑफ फॉर्मिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप इज टू ओवरकम इंडिविजुअल शॉर्टकमिंग एंड वीकनेसेस विद कलेक्टिव एफर्ट्स। तो मेन जो सेल्फ हेल्प ग्रुप को फॉर्म करने का क्या फिलोसफी था, क्या सोच था, जो भी इंडिविजुअल शॉर्टकमिंग्स है, मतलब हर एक इंसान के पास कुछ ना कुछ कमियाँ, कुछ ना कुछ वीकनेसेस होती है, वो वीकनेसेस को ओवरकम करके क्या करना है उनको, कलेक्टिव एफर्ट्स, एक साथ में मिलकर अगर वो काम करेंगे, एफर्ट्स लेंगे, तो प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हो सकती हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर वर्किंग एज अ व्हीकल ऑफ चेंज इन रूरल इंडिया। सेल्फ हेल्प ग्रुप ब्रिंग पुअर, रूरल पुअर एंड मार्जिनलाइज इंडिविजुअल टुगेदर टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इंडिविजुअल एज वेल एज कम्युनिटी एज अ होल। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है, वी रूरल इंडिया जो है उसको चेंज लेके आ रही है, क्योंकि ग्रुप्स में अगर लोग काम करेंगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बदलाव आएगा। जो लोग हैं वो प्रॉब्लम्स को अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जो इंडिविजुअली अकेला नहीं कर सकते वो अगर ग्रुप बना के करेंगे तो वो और अच्छी तरीके से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी, कम्युनिटी जो है वो और अच्छी तरीके से डेवलप होगी। थ्रू म्यूचुअल ट्रस्ट थाउजेंड्स ऑफ पुअर एंड द मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स आर बिल्डिंग देयर लाइव्स, देयर फैमिलीज एंड देयर सोसाइटीज। जो म्यूचुअल ट्रस्ट है, जो गांव, विलेजेस, रूरल एरियाज में जो लोग हैं वो आपस में भरोसा करते हैं, ट्रस्ट करते हैं,
और ऐसा सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो फॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से अपनी जितनी भी प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, उसके ऊपर सॉल्यूशंस लेके आते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, जिसकी वजह से हज़ारों लोग जो हैं आज विलेजेस में वो ऐसे ग्रुप्स को फॉर्म करके उन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ संवारी हैं, अपनी फैमिलीज़ को और बेहतर तरीके से चलाया है, संभाला है, जिसकी वजह से पूरी की पूरी सोसाइटी जो है वो अच्छी तरीके से आज डेवलप हो रही है. गवर्नमेंट ऑल्सो गिव्स ड्यू रिकॉग्निशन टू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेवलपमेंट स्कीम एट अ ग्रॉस रूट लेवल. गवर्नमेंट भी ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप को काफ़ी ज़्यादा रिकॉग्निशन दे रही है, पहचान दे रही है, बहुत सारी स्कीम्स लेके आ रही है गवर्नमेंट ग्रास रूट लेवल पे, मतलब एकदम बेसिक लेवल पे बहुत सारी स्कीम्स लेके आ रही है ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप की मदद करने के लिए, उन्हें और ज़्यादा डेवलप करने के लिए. नेक्स्ट इज प्रमोट्स एंटरप्रेन्योरशिप. तो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब बिजनेसमैन जो है, बिजनेस अगर स्टार्ट करना है किसी को तो उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करती है, उन्हें एनकरेज करती है. दी पुअर एंड मार्जिनल इंडिविजुअल इन रूरल एरिया फेस स्कैर्सिटी ऑफ कैपिटल एंड मैनेजेरियल स्किल्स. तो जितने भी रूरल एरियाज़ गाँव में जितने लोग होते हैं वो गरीब होते हैं मोस्टली, उनके पास पैसों की काफ़ी ज़्यादा कमी होती है, स्किल्स की कमी होती है. सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोवाइड देम कैपिटल एट लो इंटरेस्ट रेट विच गिव देम अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट माइक्रो एंटरप्राइज. सेल्फ हेल्प ग्रुप कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर लोगों को पैसे प्रोवाइड करती है, लोन प्रोवाइड करती है, जिसके वजह से उनके पास एक मौका होता है, अपॉर्चुनिटी होती है अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने का. दिस माइक्रो एंटरप्राइज यूज अनटैप मैन पावर इन द एरिया विच जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन रूरल एरियाज. अगर ऐसे छोटे छोटे बिजनेस स्टार्ट हो जाएंगी तो लोगों के पास अपना एक रोजगार होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होगी रूरल एरियाज में. टाइमली फाइनेंशियल सपोर्ट एंड मैनेजरियल स्किल्स हेल्प्स टू प्रमोट फर्स्ट जनरेशन माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स इन रूरल एरियाज. अगर समय पे उनको पैसे को सपोर्ट मिलेगा, आर्थिक मदद मिलेगी, मैनेजरियल स्किल्स का अगर उनको बढ़ावा मिलेगा, डेवलप किया जाएगा उनके स्किल्स को, जिसके वजह से छोटे छोटे बिजनेस जो हैं वो ओपन किए जा सकते हैं रूरल एरियाज में. इट ऑल्सो हेल्प्स टू जनरेट एडिशनल इनकम टू पुअर हाउसेस. जो गरीब लोग हैं उनके पास एक छोटा छोटा इनकम जनरेट करने का, पैसे कमाने का एक मौका मिलेगा उनको. सेल्फ हेल्प ग्रुप बिल्ड इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैपेबिलिटीज इन दी मार्जिनलाइज रूरल इंडिविजुअल. सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या कर रही है, बहुत सारी इनकम जो है वो बिल्ड कर रही है, इनकम जनरेट करने के बहुत सारे ऑप्शंस लेके आ रही है, एम्प्लॉयमेंट रोजगार प्रोवाइड करती है इंडिविजुअल को जो कि रूरल एरियाज में रहते हैं. सेल्फ एम्प्लॉयमेंट थ्रू माइक्रो इंटरप्राइज विल हेल्प इन पावर्टी इरेडिकेशन. अगर लोग खुद को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे थ्रू बिजनेस, अगर वो अपना छोटा छोटा बिजनेस भी स्टार्ट करते हैं, कोई छोटा सा शॉप भी स्टार्ट करेंगे, तो वो खुद को क्या कर रहे हैं, रोजगार प्रोवाइड कर रहे हैं, अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट भी करेंगे, खुद के लिए अगर पैसे अर्न करेंगे, जिसके वजह से धीरे धीरे पावर्टी क्या होगी, इरेडिकेट होगी, खत्म होगी. एनजीओज एंड गवर्नमेंट टेक इनिशिएटिव्स टू मोटिवेट रूरल इंडिविजुअल्स टू स्टार्ट माइक्रो एंटरप्राइज बाय प्रोवाइडिंग स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग एंड मार्केटिंग एंड टेक्निकल सपोर्ट्स. बहुत सारे एनजीओज हैं, गवर्नमेंट जो है क्या कर रही है, इनिशिएटिव ले रही है, स्टेप्स ले रही है, मेजर्स ले रही है, मोटिवेट कर रही है, प्रोत्साहित कर रही है रूरल इंडिविजुअल्स को, जो गांव में लोग इंडिविजुअल्स रहते हैं उनको प्रोत्साहित कर रही है छोटा छोटा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, उनके स्किल्स को डेवलप करने के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही है, मार्केटिंग और टेक्निकल सपोर्ट दे रही है, जिसके वजह से वो और ज़्यादा डेवलप हो सके, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके, खुद को एम्प्लॉयमेंट जो है वो प्रोवाइड कर सके. ऑलराइट, नेक्स्ट इज वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण. क्या है ये, कंसिस्टेंट एफर्ट्स बाय गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट मशीनरीज वे नॉट अचीविंग मच इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ वुमेन्स इन इंडिया. औरतों का विकास हो, वुमेन्स जो है वो डेवलप हो, वो इंडिया के ग्रोथ के लिए, कंट्री के ग्रोथ को डेवलप करने के लिए इकोनॉमिकली चाहे सोशली कॉन्ट्रीब्यूट कर सके, तो गवर्नमेंट ने और नॉन गवर्नमेंट मशीनरीज एनजीओस ने बहुत सारी कोशिश की थी, एफर्ट्स की थी, सो दैट वुमेन्स जो है वो डेवलप हो सके, इकोनॉमिकली कॉन्ट्रीब्यूट कर सके, बट कहीं ना कहीं उनकी कोशिश जो थी वो कहीं ना कहीं काम नहीं आ रही थी. एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इज़ रिकोगनाइज एज अ नीड ऑफ द आर. और आज के ज़माने में वुमेन्स जो हैं वो सशक्त हो, वो एम्पावरमेंट हो, वो खुद का डिसीजन ले सके, खुद कोई ना कोई बिजनेस कर सके, कि बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में. सेल्फ हेल्प ग्रुप इज़ एन एमर्जिंग टूल फॉर सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ वुमेन ऑल ओवर दी वर्ल्ड. सो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है ये एक ऐसा टूल, एक ऐसा एक मशीनरी है जो कि हेल्प कर रहा है जितने भी वुमेन्स हैं उनको इकोनॉमिकली एंड सोशली डेवलप करने के लिए पूरे की पूरे वर्ल्ड में. सेल्फ हेल्प ग्रुप के वजह से वुमेन्स ना कि सिर्फ इंडिया में बट पूरे के पूरे वर्ल्ड में आज क्या कर रहे हैं, खुद को डेवलप कर रहे हैं सोशली भी और इकोनॉमिकली भी. सेल्फ हेल्प ग्रुप आर वर्किंग इफेक्टिवली इन प्रमोटिंग वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप. सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं
वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को और ज़्यादा डेवलप करने के लिए, उसे और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए, जो औरतें हैं, जो वुमेन्स हैं, उन्हें अपना छोटा छोटा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हेल्प कर रहे हैं। गवर्नमेंट प्रोवाइड डिफरेंट फिनेंशियल एंड नॉन फिनेंशियल असिस्टेंट टू प्रमोट द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। गवर्नमेंट जो बहुत सारी अलग अलग फिनेंशियल और नॉन फिनेंशियल हेल्प जो है वो प्रोवाइड कर रही है सेल्फ हेल्प ग्रुप को, मोस्टली वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को, जिसकी वजह से वुमेन्स का जो डेवलपमेंट है वुमेन एम्पावर्ड हो। सेल्फ हेल्प ग्रुप एम्पावर वुमेन बाय प्रोवाइडिंग हर नॉलेज फाइनेंस एंड अपॉर्चुनिटी। सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन्स को एम्पावर करने के लिए उन्हें नॉलेज प्रोवाइड करती है, फाइनेंस प्रोवाइड करती है, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है, बहुत सारे मौके प्रोवाइड करती है, सो दैट वुमेन्स जो है वो एम्पावर हो सके, सशक्त हो सके। वो हेल्प होगी, वुमेन्स अगर डेवलप होंगी वो लीड करेंगी, अपना खुद का डिसीजन खुद से ले पाएंगी, तो फिर वो खुद के लिए स्टैंड ले पाएंगी, सोशली भी एंड इकोनॉमिकली भी वो डेवलप कर सकती है, कंट्रीब्यूट कर सकती है कंट्री को और ज़्यादा डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट इज़ कोलैटरल फ्री लोन। तो कोलैटरल फ्री लोन क्या है? जब भी बैंक हम जाते हैं लोन लेने के लिए, तो बैंक पहले तो सिक्योरिटी मांगती है, कोई पर्टिकुलर एक चीज़ जो होती है उसे एज अ सिक्योरिटी अपने पास रखती है, डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखती है एज अ सिक्योरिटी एज अ मॉर्गेज, मतलब कोई चीज़ हमें गिरवी रखनी पड़ती है लोन लेने की है तो। अगर ऑलराइट, कोलैटरल फ्री लोन मतलब क्या? मतलब कोई भी चीज़ बिना गिरवी रखे ही हमें लोन मिलेगा, ये होता है कोलैटरल फ्री लोन। क्योंकि बेसिकली जो विलेज एरिया रूरल एरियाज में जो लोग होते हैं वो गरीब होते हैं, उनके पास ऑलरेडी कुछ नहीं होता, तो वो गिरवी रखेंगे क्या और लोन कहाँ से लेंगे। सो सेल्फ हेल्प ग्रुप ऐसे लोगों को बिना कोई चीज़ गिरवी रखे लोन प्रोवाइड करती है, उसे कहते हैं कोलैटरल फ्री लोन। देख लेते हैं, फॉर्मल फाइनेंशियल सर्विसेज फेल टू मीट क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स ऑफ रूरल पुअर इंडिविजुअल ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एनी रिकॉग्नाइज्ड एम्प्लॉयमेंट एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कोलैटरल। बहुत सारी फाइनेंशियल सर्विसेज थी, बैंक्स थी, इंस्टीट्यूशंस थी, जो गरीबों को लोन प्रोवाइड नहीं कर पाती थी, उनको पैसे चाहिए होते थे, क्रेडिट चाहिए होता था, लोन चाहिए होता था, बट बैंक्स जो थी, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थी, वो उनको लोन प्रोवाइड नहीं करती थी गरीब लोगों को, क्योंकि उनके पास ना तो प्रॉपर एक जॉब था, रोज़गार नहीं था उनके पास, दूसरा उनके पास कोई चीज़ नहीं थी जो गिरवी रख के वो लोन ले सकते थे। द लैक ऑफ लोन फ्रॉम फॉर्मल इंस्टीट्यूशन लीव्स द पुअर विद नो अदर ऑप्शन बट टू बोरो मनी फ्रॉम लोकल मनी लेंडर्स एट अ ह्यूज इंटरेस्ट रेट। तो उनके पास जो गरीब थे उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचा था, बैंक से उनको लोन मिल नहीं सकता था, उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, तो वो मनी लेंडर्स थे उनके पास जाके क्या करते थे, लोन लेते थे। तो मनी लेंडर्स जो थे ज़मींदार हो गए, या तो फिर जो लोग पैसे देते हैं उधार पे एज अ लोन, बट इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है उनका, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट के ऊपर पैसे देते हैं वो। सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोवाइड स्मॉल लोन्स टू द पुअर इंडिविजुअल फॉर अंडरटेकिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोजेक्ट। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या कर रही हैं, छोटे छोटे लोन्स प्रोवाइड करती हैं गरीबों को, जितने भी गरीब इंडिविजुअल्स हैं, सो दैट वो खुद का अपना जो एक बिजनेस है वो स्टार्ट कर सके। इट प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट फॉर देमसेल्व्स एंड देयर फैमिलीज, जिसके वजह से उन्हें खुद को तो रोज़गार मिलेगा ही, उनकी फैमिली को भी रोज़गार मिलेगा। लोन्स आर गिवन ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड ईदर मिनिमम और नो डॉक्यूमेंटेशन इज रिक्वायर्ड टू गेट लोन। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो लोन प्रोवाइड करती है रूरल इंडिविजुअल को ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट, मतलब आपस में एक दूसरे के ऊपर भरोसा होता है, उनको आपस के भरोसे के ऊपर वो लोन प्रोवाइड करती हैं, उनके ऊपर कोई भी डॉक्यूमेंटेशन, किसी भी डॉक्यूमेंटेशन या फिर कोई पर्टिकुलर चीज़ गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई चीज़ मॉर्गेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है लोन लेने के लिए। द रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफर फ्रॉम ग्रुप टू ग्रुप, तो अलग अलग सेल्फ हेल्प ग्रुप का अपना अपना कुछ इंटरेस्ट रेट होता है, इंटरेस्ट रेट जो है वो ग्रुप टू ग्रुप चेंज हो सकता है। जनरली रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय द सेल्फ हेल्प ग्रुप आर लिटिल हायर देन द इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक्स, मोस्टली जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है सेल्फ हेल्प ग्रुप वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है जो कि बैंक चार्ज करते हैं, बिकॉज ये लोग कोई भी पर्टिकुलर चीज़ जो है वो इज अ सिक्योरिटी अपने पास नहीं रखते, इसके लिए थोड़ा सा पैसा जो है इंटरेस्ट जो होता है वो ज़्यादा होता है। इट सेव्स पुअर इंडिविजुअल फ्रॉम द क्लचेस ऑफ लोकल मनी लेंडर्स, बट कम से कम जो रूरल इंडिविजुअल पुअर इंडिविजुअल्स होते हैं वो मनी लेंडर्स के चंगू से तो बच जाते हैं। इट ऑल्सो इनकरेज पुअर इंडिविजुअल टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन बैंकिंग एक्टिविटीज़, इट बिल्ड्स ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस बिटवीन बैंकर्स एंड द पुअर रूरल पीपल, जिसके वजह से उनके अंदर एनकरेजमेंट आती है, प्रोत्साहित होते हैं जो रूरल इंडिविजुअल होते हैं, वो एक्टिवली बैंक में जाके पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बैंकिंग एक्टिविटीज़ जो हैं वो कर सकते हैं, अपने अकाउंट्स बैंक में ओपन करवा सकते हैं, लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं,
जो लोग हैं और जो बैंक्स हैं उनके बीच में एक ट्रस्ट एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू. इट एंश्योर्स टाइमली रीपेमेंट ऑफ लोन एज ऑल मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग रीपेमेंट अमाउंट फ्रॉम द मेंबर्स हु बोरो द लोन. जिसके वजह से क्या होगा, वो लोन तो देते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप लोन प्रोवाइड करती है अपने मेंबर्स को, जो कि टाइम टू टाइम वो लोन उनको वापस रीपे भी करते हैं, क्योंकि मेंबर्स आपस में ही हैं. तो जितने भी अगर किसी को लोन दिए तो सारे के सारे मेंबर्स क्या हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं वो लोन को कलेक्ट करने के लिए. तो हर एक लोग अपना अपना पैसा बचाते हैं, इसके लिए वो अगर लोन देते हैं किसी को तो सबकी जिम्मेदारी होती है कि टाइम टू टाइम जो लोन है वो वापस रीपे कर सके, कलेक्ट कर सके अपने मेंबर्स से. ऑलराइट, सो ये था कोलैटरल फ्री लोन. सो यहाँ पे हमारे टोटल 8 पॉइंट्स हैं फीचर्स इन वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप. ये पूरा का पूरा पॉइंट्स कंप्लीट होता है. आई होप आपको पूरा का पूरा जो फीचर्स का पॉइंट था समझ में आया होगा वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप का. सो यहाँ पे हमारा वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो पूरा टॉपिक था वो कंप्लीट होता है. इस वीडियो में हमने वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप ये पर्टिकुलर टॉपिक स्टार्ट किया, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है, हमने 8 फीचर्स पढ़े डिटेल में, फीचर्स ऑफ वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप. आई होप आपको पूरा का पूरा जो टॉपिक था इस वीडियो का वो समझ में आया होगा. सो थैंक यू फॉर अ टाइम.